लखनऊ में अंजना ओम कश्यप के अमर्यादिता भाषा को सत्यार्थी सत्यार्थी अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, आज दिनांक 16/1/2019 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के सैकड़ों छात्रों ने आज तक चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप के द्वारा प्रयोग की गई अमर्यादिता भाषा जो कि कुछ प्रमुख नेताओं के लिए प्रयोग की गई थी, जिसकी निंदा की गई और उनका पुतला शोध छात्रों एवं अन्य छात्रों द्वारा जलाया गया। छात्रों ने बताया कि जैसे आज तक की एंकर ने बोला, उनको न्यूज चैनल में ना होकर भाजपा का प्रवक्ता होना चाहिए, क्योंकि उनकी भाषा शैली एक एंकर की नहीं बल्कि जातिवाद है। ऐसी भाषा एक एंकर की नहीं होनी चाहिए, ये मीडिया को बदनाम तथा एक पक्ष की तरफ झुकाव को दिखाता है, जबकि मीडिया को सबके लिए एक समान होना चाहिए। आगे दिलीप यादव अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, देश की एक भी यूनिवर्सिटी ओबीसी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, सामाजिक न्याय का गला घोटा गया है यूनिवर्सिटी में, फिर भी सभी लोग चुप हैं। इस पर 1990 के पहले भी ओबीसी सेंट्रल की जॉब में 12% थे, मंडल कमीशन लगने के बाद 2019 में भी 12% ही है रिजर्वेशन, आखिर ओबीसी का खा कौन रहा है, ये बात सोचने की जरूरत है। देश की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी आज भी हायर एजुकेशन से मीलों दूर है। सत्यार्थी सत्यार्थी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, भाजपा के नेता धनंजय कुलकर्णी के घर से ये सब हथियार पकड़ाए हैं, गोदी मीडिया NI मंत्रीगण के कानों में अब कुछ दिन तक खून जमा रहे, मुंह टेप से टाइट चिपका रहेगा। शीतल पी सिंह आगे लिखती हैं, केरल में PM अंग्रेजी बोल तो लेते हैं पर टेलीप्रोमेटर पर गुजराती हिंदी वाले एक्सपर्ट में पढ़कर और भक्त मायावती को इस बात पर ना जाने क्या क्या नहीं कहते कि वे कागज पर लिखा पढ़ती है, भाई मायावती छल तो नहीं करती। आगे सत्यार्थी सत्यार्थी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, नकली डिग्री वाले को नकली अवार्ड। राकेश कुमार अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, 4200 करोड़ रुपए योगी मोदी ने पाखंड के नाम पर प्रयागराज में लुटा दिए, अब कोई नहीं चिल्ला रहा है कि जनता का पैसा बर्बाद क्यों किया। सत्यार्थी सत्यार्थी आगे अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, भक्तों योगी जी का मैसेज मिला कि नहीं, नहीं मिला तो हम बता देते हैं, कल से शुरू हो रहा है मूर्खों का सॉरी भक्तों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज महाकुंभ, 49 दिन चलेगा, लगभग 13-15 करोड़ भक्त पहुँच रहे हैं, सुना है योगी जी ने 10 करोड़ को तो सीधे मोबाइल पर निमंत्रण भेजा है, आप भी यदि भक्त हैं तो ध्यान रखना, मिस ना हो जाए, मिस कर दिया तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये 12 साल में एक बार होता है, ध्यान रहे इस बार कुंभ में 6 मुख्य स्नान हैं जो 15 व 21 जनवरी 4, 10 व 19 फरवरी तथा अंतिम स्नान 4 मार्च को है, इसलिए मौके का फायदा उठाइए, मेले में आइए, संगम में स्नान कीजिए और स्वर्ग की अपनी टिकट पक्की कीजिए। आगे तेजस्वी यादव अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, आप सबों से दिनांक 17 जनवरी गुरुवार को 12 बजे से ट्विटर पर सीधी वार्ता और प्रश्नों का जवाब देने के लिए उत्साहित हूं। आप हैशटैग तेजस्वी की चौपाल लिखकर मुझे अपने प्रश्न भेज सकते हैं, सबसे संवाद हो, कुछ ऐसा आगाज हो, सबकी बात सबकी आवाज़ हो। आगे दिलीप मंडल अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, श्यामलाल यादव को बधाई दीजिए, इंडियन एक्सप्रेस के श्यामलाल यादव की इस खबर पर अगला लोकसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए, समाजवाद अंबेडकरवाद सामाजिक न्याय लोहियाबाद जय भीम और जाने क्या क्या बड़ी बातें और नारे लगाने वाले दलों में ईमानदारी होती तो इस बार एक खबर पर वे देश में कोहराम मचा देते। मेरे साथ इंडिया टुडे में काम कर चुके श्यामलाल यादव ने एक ऐसी खबर RTI के जरिए निकाली जिससे पता चलता है कि भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 95% प्रोफेसर कोटे से बाहर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर ऐसे लोग 92% हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जहां से देश चलता है वहां 80% अनरिजर्व कैटेगरी के अफसर हैं, ज्यादातर जगह उनकी संख्या 70% के आसपास है। ऐसे में मोदी सरकार ने ऊपर से 10% सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया, जिन दलों को इसके खिलाफ सरकार पर टूट पड़ना चाहिए उन्हें जाने क्यों आत्मसमर्पण कर दिया है, इनकी सरकार तो हो सकता है फिर भी बन जाए लेकिन इतिहास इन दलों को अपराधियों के तौर पर ही याद करेगा, जब ये दल थे तब सवर्ण आरक्षण लागू हुआ। श्यामलाल यादव को बहुत बधाई
कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के इरादों का पर्दाफाश कर दिया है। ऐसी खबर एक पत्रकार जीवन में दो चार बार ही लिखते हैं, ज्यादातर लोग ऐसी एक भी खबरें पूरी जिंदगी में नहीं लिख पाते। आगे सत्यार्थी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, ये तस्वीरें हैं जो जिन्हें फ्रेम करवा कर रख लेने में भलाई है। इन तस्वीरों को देख कर बुद्ध के देश पर कब्जा किए विदेशी यूरेशियन सुवरों के खिलाफ लड़ने की ताकत मिलती है। दिलीप यादव अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, रोहित वेमुला जी को हमेशा याद रखूंगा। सत्यार्थी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, भारत में किसी भी तरह के आंदोलन की बात की जाए तो पिछले कई दशक में भारत में रोहित वेमुला की अस्थागत हत्या के खिलाफ आंदोलन सबसे बड़ा रहा। भारत के हर गली मोहल्ले में इस पर चर्चा हुई, लोग घेरे से बाहर निकले। दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, पटना, पुणे, नागपुर, रोहतक, जयपुर, चेन्नई जैसे अनेकों शहरों में लाखों युवाओं ने गिरफ्तारियां दी। मैंने खुद पहला आंदोलन था जिसमें दो बार गिरफ्तारी दी। रोहित के लिए पूरे विश्व के अनेकों देशों में आवाज उठा, जैसे पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया सहित तमाम देशों के लोगों तक इसकी जानकारी थी। रोहित अस्थागत हत्या के पीछे पूर्ण रूप से विदेशी यूरेशियन मानसिकता थी। मैं इस जातिवाद नहीं मानता क्योंकि ब्राह्मण विदेशी है और भारत के मूल निवासियों पर शासन कर रहा है, और जब भी कोई योद्धा मूल निवासियों की तरफ से अगुवाई करेगा तो यूरेशियन उसे घेर कर मार देगा, और यही रोहित के साथ हुआ। इसकी हत्या के लिए अप्पा राव कुलपति, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दत्ता जो एक राजनेता और सबसे बड़ी दोषी स्मृति रानी मल्होत्रा है, सनद रहे और खुद को तैयार करें। जो युवा इस दौर से गुजर कर आगे निकले हैं वो विदेशियों से इसका हिसाब जरूर चुकता करेंगे। रोहित जैसा युवा मूल निवासी समाज में लाखों में एक निकलते हैं और उन्हें मार दिया जाना, लाखों को एक साथ खत्म किया जाना है, क्योंकि एक बेहतर मानव मस्तिष्क को खत्म किया जाना सबसे खतरनाक काम है। और आखिरी में क्या जुल्मतों के दौर में गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर में भी गीत गाया जाएगा। सत्यार्थी अपने फेसबुक पोस्ट पर आगे लिखते हैं, रोहित तेरी शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे, तुझे मारने वाले को सत्ता में आने नहीं देंगे। जय भीम साथियों, हम आज ऐसे समाज की व्यवस्था में हैं जहां देश में हर स्तर पर अत्याचार चरम पर है, और इसी के चलते हमने अपने देश के कई होनहार बच्चों विद्यार्थियों को अस्थागत हत्या के चलते खोया है। उनमें से एक हमारे दिवंगत भाई डॉक्टर रोहित वेमुला, जिनको हमने 3 साल पहले 17 जनवरी को खो दिया था। हम सब प्रबुद्ध साथी शहीद डॉक्टर रोहित वेमुला को उनकी शहादत दिवस पर 17 जनवरी पे उनको याद करते हुए एक विचार घोषित का आयोजन किया गया है। आप सभी प्रबुद्ध साथियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। जौहर रोहित वेमुला, जौहर जौहर एक शाम रोहित वेमुला की शहादत के नाम। आगे अमित कुमार यादव लिखते हैं, गठबंधन से टिकट के लिए अखिलेश और मायावती वसूल रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए। बीजेपी सांसद मतलब ये भी वहां पहुंचे थे। विजय मिश्रा आगे लिखते हैं, क्या घेरे में दिखाई देते शख्स धनंजय कुलकर्णी है, जो गिफ्ट शॉप की ऑर्ड में अवैध हथियारों के जखीरे के साथ पकड़ाया है। प्रशांत कन्नौजी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, सपा और बसपा के साथ आते ही स्वाइन फ्लू हो गया, आगे आगे देखो होता क्या है। हरतार सिंह अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, कुंभ नहाने से अगर उद्धार होता है तो भारत में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और निरक्षरता नहीं होती। आगे गौरव प्रधान अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, वो पूछ रहे थे कि पत्रकारिता में दलाली क्या चीज होती है। हमने अंजना ओम कश्यप जी के ये खूबसूरत फोटो देख लिया, हमने अंजना ओम कश्यप जी का ये खूबसूरत फोटो दिखा दिए। राम अवतार यादव आगे लिखते हैं, डॉक्टर रोहित वेमुला मोनस्ट्रीम से लड़ते हुए शहीद हुए, हमें 17 जनवरी को नहीं भूलना है ताकि इसकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। शहीद रोहित वेमुला को विनम्र अभिवादन। आगे नदीम एस अख्तर अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में नीचे जो पोस्ट लगा रहा हूँ वो 2-3 दिन पहले मोबाइल फोन पे लिख रहा था, तभी एक जरूरी फोन आ गया और लंबी बात हो गई। शुक्र है कि पोस्ट तो फेसबुक ऐप से नहीं हटी, पर फिर मूड बदल गया, ना इसे पूरा किया और ना फेसबुक पे पोस्ट किया। मोबाइल नोट
में सेव करके रख लिया। अब सोचता हूँ कि जब लिखी थी आधी अधूरी पोस्ट को ही लगा दिया जाए, क्योंकि अगर अब मैं लिखूंगा तो बिल्कुल अलग ही लिख डालूंगा। सो उस दिन की आधी अधूरी लिखी पोस्ट ही नीचे लगा रहा हूँ। कभी कभी तो ये भी होना चाहिए। धन्यवाद। आलोक वर्मा, जस्टिस सिकरी, CBC और CBI के बारे में मुझे सवाल ना ही करे तो अच्छा है। ये चीफ जस्टिस रंजन गोगोई मेरे होश संभालने के बाद भारत के सबसे धूर्त मुख्य न्यायाधीश साबित हुए। ये न्यायपालिका के अरविंद केजरीवाल हैं। पाखंडी और भयंकर यू टर्न लेने वाले। जब मेमने की खाल उतरी तो सामने भेड़िया खड़ा मिला। आप लोग पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को गरियाते थे ना, जब जस्टिस रंजन गोगोई उस वक्त के चीफ जस्टिस को विलेन बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, याद है ना? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल और अब रिटायर होकर अपने गांव में अज्ञात जिंदगी गुजार रहे हैं। जस्टिस चलमेश्वर की बात सुनिए, वे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में समस्याएं जस की तस है, यानी जस्टिस गोगोई के चीफ जस्टिस बनने पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अब चीफ जस्टिस गोगोई की बेईमानियां देख लीजिए। पहले तो इस आदमी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल पे जो फैसला दिया वो तकनीकी आधार पे ही गलत था, यानी PAC की तथाकथित अनुशंसा को क्लीन चिट मानकर राफेल सौदे को क्लीन चिट दे दी, जबकि हकीकत ये थी कि CAG की रपट PAC के सामने रखी ही नहीं गई थी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज राफेल पर सरकार की अंग्रेजी में भेजी रपट पढ़ और समझ नहीं सके कि CAG और की रपट PAC के सामने रखी ही नहीं गई है? किसकी गलती थी? आज तक उसे फैसले में सुधार नहीं हुआ। सुना, जज साहब छुट्टी पे चले गए थे, अब लौट आए हैं, पर इस मुद्दे पे भयंकर खामोशी है। राहुल गांधी भी चुप हैं, कोर्ट से नहीं कह रहे हैं कि फैसला सुधार दो। कुल मिलाकर इस फैसले से रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट का नाम मिट्टी में नहीं गोबर में मिला दिया। धिक्कार है। अब रंजन गोगोई का दूसरा कारनामा देखिए। अयोध्या जैसे एक अति संवेदनशील मसले पर संवैधानिक बेंच बना दी। सोचिए, जमीन के झगड़े में संविधान का क्या काम, संवैधानिक बेंच। और जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो इस बेंच में जस्टिस ललित को रख दिया, जो 1994 में कल्याण सिंह की तरफ से पैरवी कर चुके हैं। चूंकि कल्याण सिंह की सरकार के वक्त ही बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो किसी भी सूरत में जस्टिस ललित को अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में नहीं होना था। क्या चीफ जस्टिस को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये न्याय शस्त्र नहीं पता? बाद में जब वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया तो शर्माकर जस्टिस ललित खुद इस बेंच से अलग हो गए। अब नई बेंच का गठन होगा तो क्या चीफ जस्टिस गोगोई और जस्टिस ललित इतने मासूम थे कि इतना भी नहीं जानते थे? फिर भी बेशर्मी से बेंच बना रहे थे और लोगों को पिक एंड चूज कर रहे थे। शर्मनाक थे ये सब कुछ। अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का तीसरा सबसे बड़ा कमाल देखिए। रातों रात हटाए गए CBI चीफ आलोक वर्मा को बहाल तो किया, पर आ के साथ कह दिया कि आलोक वर्मा कोई फ्रेश यानी नया डिसीजन नहीं लेंगे। अबे, जब नया डिसीजन नहीं लेंगे तो बहाल काहे कर रहे हैं? या तो वर्मा गलत थे या सही थे। अगर गलत थे तो बहाल मत करो, और अगर सही थे तो बहाल होते ही इंडिपेंडेंट फैसले लेने की इजाजत दो। उनको बीच में काहे टांग दिया? यानी मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। मतलब ये कि पूर्व CBI प्रमुख वर्मा की बहाली वाला चीफ जस्टिस का फैसला हास्यपद है और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था। तब सरकार नैतिक दबाव में आती और फिर दोबारा वर्मा को नहीं हटाती, लेकिन बहुत ही शातिराना तरीके से चीफ जस्टिस ने दोबारा वॉल सरकार के पाले में डाल दी और कहा कि इतने दिनों के अंदर हाई पावर्ड कमेटी वर्मा पे फैसला ले। यानी एक तरफ CBI चीफ के पर कतर दी और दूसरी तरफ सरकार के हाथ में उसे दोबारा हटाने की तलवार पकड़ा दी। इसके बाद देखिए ये देश के चीफ जस्टिस फिर कैसे रंग बदलते हैं। केंद्र सरकार 48 घंटे के अंदर पुनः बहाल हुए CBI चीफ आलोक वर्मा को हटाने के लिए हाई पावर्ड कमेटी का बैठक बुला लेती है, जिसमें चीफ जस्टिस को भी जाना है अपना मत बताने के लिए। लेकिन देखिए चीफ जस्टिस गोगोई फिर गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और कहते हैं कि हाई पावर कमेटी में वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी अगुवाई वाली बेंच ने ही वर्मा को बहाल किया है। अबे, किसे मूर्ख बना रहे हो आप लोग?
जब आपको पता ही नहीं कि वर्मा कितने मासूम हैं और कितने दोषी, पूरा मामला देख सुन पढ़ कर आपने उसे बहाल किया है, तो फिर हाई पावर कमेटी में भी कमेटी में जस्टिस सीकरी के निर्णायक वोट से ही सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को हटाया गया। पीएम मोदी उनको हटाना चाहते थे, विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे बाबा उनको नहीं हटाने के पक्षधार थे। सो एक एक से टाई होने पर जस्टिस सीकरी का वोट वर्मा को हटाने के पक्ष में पड़ा और 2-1 के बहुमत से वर्मा की कुर्सी छीन ली गई, जो कुछ दिनों बाद ही रिटायर होने वाले थे। पर यहाँ गेम जस्टिस सीकरी और चीफ जस्टिस गोगोई ने मिलकर किया, कैसे वो बताता हूँ। बाद में खबर आई कि केंद्र सरकार इस वाक्य से महीने भर पहले ही यानी दिसंबर 2018 में जस्टिस सीकरी को ओबलिज कर चुकी थी और मार्च 2019 में उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सीकरी को लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट एरेबिटल ट्रेनिव्यूल CSAT में भेजने का फैसला कर चुकी थी। इसके लिए जस्टिस सीकरी ने भी अपनी हामी भर दी, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए भी जस्टिस सीकरी ने केंद्र सरकार से एहसान ले लिया था, उनके एहसान तले दब गए थे। ये बात चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को भी मालूम थी, लेकिन चीफ जस्टिस की कुटिल बात लेकिन चीफ जस्टिस की कुटिलता देखिए, सब कुछ मालूम होने के बाद भी पहले तो वो खुद सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को हटाने के लिए बुलाई गई, हाई पावर कमेटी में नहीं गए, घटिया सा बहाना बनाया, उसके बाद अपनी जगह केंद्र सरकार के एहसान तले दबे जस्टिस सीकरी को भेज दिया उस कमेटी में, जहां देश के सीबीआई प्रमुख को हटाने का फैसला होना था, ये जानते हुए भी कि सरकार वर्मा को हटाना चाहती है और विपक्ष सरकार को ऐसे करने से रोकेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके प्रतिनिधि जज का वोट ही निर्णायक होगा। फिर भी चीफ जस्टिस ने जस्टिस सीकरी को भेजा और जस्टिस सीकरी ने सरकार के फेवर में अपना वोट दिया। यहाँ जस्टिस सीकरी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि CVC यानी विजिलेंस कमिश्नर की वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की जिस रिपोर्ट का हवाला देकर उनको हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट के ही मॉनिटर जस्टिस पटनायक ने ये कहा कि वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सही नहीं है, तो क्या जस्टिस सीकरी ने जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट देखे बगैर सरकार का साथ दिया और उसका एहसान चुकाया? ये बहुत गंभीर सवाल है। जस्टिस सीकरी को चीफ जस्टिस गोगोई ने हाई पावर कमेटी में क्यों भेजा? मुलायम सिंह यादव अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, देश में मेहनती और लगनशील पत्रकारों की कमी नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार श्यामलाल यादव ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित पिछड़े लोगों की हैसियत के बारे में जो रिपोर्ट पेश की है, वो उनके वर्गीय चेतना की उत्कृष्ट मिसाल है। RTI के तहत उन्होंने जो सूचना इकट्ठा की है, वो उनके मेहनत और चेतना को दर्शाता है। देश के अकेडमिया OBC के एक भी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। कुछ दिन पहले देश के दलित पिछड़े नेताओं ने संसद में स्वर्ण आरक्षण बिल पास करके संविधान की आत्महत्या कर दी। उन्होंने ओबीसी की हैसियत नहीं दिखाई थी। खैर, उन्हें कुछ भी कहना दीवार पर सिर पटकने के बराबर है। आगे भास्कर अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, डॉक्टर रोहित वेमुला को 17 जनवरी उनके शहादत दिवस पर सतत नमन। अरविंद यादव लिखते हैं, बहुजनों को हिंदू बताने वाला RSS, भाजपा और ब्राह्मणवादी मीडिया भी राजनाथ कोविंद को दलित राष्ट्रपति कहते हैं, हिंदू नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।